न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इंटर मॉलिक्यूल या इंटर डायरेक्ट, इंटर का मतलब यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूल है। तो क्या कहने का मतलब है, पहले एक बार रीडिंग करते हैं क्या स्टेटमेंट है। इन SNI मैकेनिज्म एंड इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्ट्स फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप मीन्स रिटेंशंस ऑफ कॉन्फिगरेशंस, इट इज एन SNI मैकेनिज्म वेयर आई मीन्स इंटरनल। तो आप देखिए ये मेरे पास अल्कोहल है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, OH, बताइए ये आपके पास मिथाइल, वैसे ही है मेथेनॉल ही है, तो क्या ये SN1 दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, SN1 तो दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि कार्बोकेटायन 1 डिग्री का स्टेबल है ही नहीं, तो वो तो SN1 तो पॉसिबल ही नहीं है, भूल जाओ। अब हमारे दिमाग में था SN2, बिल्कुल SN2 होना चाहिए था। तो जब प्रैक्टिकली देखा कि ये OH जिस तरफ है Cl उसी तरफ आ रहा है, जबकि आना कहाँ चाहिए था, बीच पीछे की तरफ जाना चाहिए था, तो यानी SN2 भी नहीं था। तो हमें समझ में आ गया कि ये ना SN1 है ना SN2 है। तो फिर हमारे दिमाग में आया एक नई मैकेनिज्म जिसका नाम है SNI, ठीक है। या SN2 के लिए सॉल्वेंट कौन चाहिए आपको? सॉल्वेंट चाहिए आपके लिए SN2 के लिए स्पेशली एसीटोन, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर एसीटोन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या तो सॉल्वेंट लो ही मत, और ले रहे हो तो कोई भी साइक्लिक ईथर या कुछ इस तरह का सॉल्वेंट ले सकते हो आप, पक्का कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ ये एक छोटा सा पॉइंट है कि नो नीड ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट ले रहे हो तो आप इस तरह का कोई साइक्लिक क्राउन ईथर टाइप कुछ भी ले लीजिए। अब बात आती है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कैसे चल रही है। तो मैकेनिज्म इसकी इस तरह से रहेगी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, और ड्यूटेरियम है, और ये ट्रिटियम है। ध्यान से देखिएगा ये 3 डिग्री में नहीं हो पाएगी, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर SN2 टाइप मैकेनिज्म नहीं होती, ये भी है तो SN2 टाइप ही, तो नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये O है, ये H है, सल्फर है, सल्फर के साथ क्या है, एक सी एल यहाँ पर, और डबल बॉन्ड हो, ये अपना लोन पेयर सल्फर के MTD ऑर्बिटल में रख देता है, और ये मना भी नहीं करता, ठीक है, क्यों मना करेगा, बॉन्ड ही तो बन रहा है। तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसा करने से आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि उसने अपना लोन पेयर दिया है, अभी भी उसके पास एक लोन पेयर रहेगा, और सल्फर डबल बॉन्ड, क्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, बोलो यस और नो। तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन पे ये प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये बॉन्ड पूरा ऑक्सीजन का यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा पूरा, और ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो कुल मिला के आपके पास ये एक तरह से देखा जाए तो आप इसको इस तरह से शिफ्ट करें, इसको इस तरह से शिफ्ट करें, और ये हाइड्रोजन इस तरह से शिफ्ट हो गया, तो आपके पास क्या मिलेगा, फाइनली आपको ये देखने को मिलेगा हाइड्रोजन, ट्रिटियम, और यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और अब एक ही क्लोरीन रह जाएगा और HCl अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कहानी बाकी है इस ऑक्सीजन पर हाईली, क्योंकि एक तरह से देखा जाए ये ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्लस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, किस पे, कार्बन पे, तो यहाँ कार्बन पे प्लस डेल्टा ज़्यादा रहेगा, और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो कहीं ना कहीं क्लोरीन अपना लोन पेयर ये देगा, ये पूरा इस तरफ ले लेगा, क्योंकि कार्बन के साथ क्या हो रहा है, उसके ऊपर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर कार्बन पे प्लस है और क्लोरीन के पास लोन पेयर है और देने की टेंडेंसी रखेगा। तो कुल मिला के ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जैसा मैंने बताया, पूरी की तरफ पूरा, तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इस तरफ शिफ्ट होगा, और ये वाला इस तरफ आ जाएगा। तो एक तरह से हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन प्लस SO2, तो ये रिएक्शन इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो क्लोरीन उसी तरफ अटैच हो गया है, कुल मिला के आसान भाषा में जिस तरफ आपके पास OH था, तो इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन या इन्वर्जन। तो आपने बिल्कुल सही कहा है, रिटेंशन, रिटेंशन सेम साइड,
सेम साइड, तो यहां रिटेंशन देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके लिए कंडीशंस क्या है, ध्यान से सुनना, कुछ की पॉइंट आपका इंतजार करेंगे यहां पर हमेशा की तरह। फर्स्ट, यहां हमारे लिए एल्काइल हैलाइड जो सॉरी एल्कोहल जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, 1 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट, एल्कोहल शुड बी 1 डिग्री, नहीं तो फिर ये SN1 की तरफ मूव करने लगेगी। दूसरा, तो एल्कोहल शुड बी 1 डिग्री। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इन केस ऑफ पिरिडीन सॉल्वेंट, ध्यान से सुनिएगा, इन केस ऑफ पिरिडीन, आप जानते हैं पिरिडीन क्या होता है, पिरिडीन कुछ इस तरह का सॉल्वेंट होता है या नाइट्रोजन है, पिरिडीन सॉल्वेंट, इट शो SN2 mechanism, तो ये अब SN2 mechanism शो करेगी पिरिडीन के केस में, क्योंकि पिरिडीन क्या करता है, एक बेस है और बेस एसिड के साथ सीएल माइनस की कंसंट्रेशन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो पिरिडीन इज बेस इंक्रीजेस द सीएल माइनस कंसंट्रेशन इन, मतलब क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि पिरिडीन इज द बेस एंड रिएक्ट विद HCl एंड जनरेट सॉल्ट, एंड जनरेटेड सॉल्ट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन, और Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो डायरेक्टली अटैच करने लग जाएगा। पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारे पास है कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसका रीज़न भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पिरिडीन इज द बेस एंड रिएक्ट विद HCl एंड जनरेट सॉल्ट विच इंक्रीजेज द Cl माइनस कंसंट्रेशन एंड सो दैट फाइनल रिएक्शंस अकर बाय SN2